लो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अप्रैल दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 25 अप्रैल को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। 1200 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था और ऐसी मान्यता दोस्तों की इन्होंने ही देश में 4 धाम बनाए थे। इन धामों के पीठ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, रतन टाटा सर को मिला ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर ने कहा कि वो बिजनेस के दिग्गज हैं। बड़ी खबर है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर न करें आप निवेश। जैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उसी तरह से फिनांस सेक्टर के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकी सलाह पर आप जैसे किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश ना करें, क्योंकि इन्हें रेगुलेट करने का फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं है। और पोंजी एप्स पर भी सरकार कड़ा शिकंजा कसने जा रही है, जिसके बारे में जानकारी अपडेट मैंने आपको कल ही बताया था, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हो चुकी है। 500 लोग सूडान पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। भारत का मिशन कावेरी शुरू, फ्रांस ने भी इसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, सूडान में फंसे इंडियंस के लिए गुड न्यूज है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो फोटो ट्वीट करके ये भी बताया कि पोर्ट पर पहुंच चुके हैं 500 लोग। ये फोटो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपको बता दूं, सूडान में जो आर्मी वगैरह के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, इसमें अब तक 413 लोगों की जान जा चुकी है और वहां पर हमारे भारतीय लोग तकरीबन 4000 नागरिक फंसे हुए हैं। और इन्हीं को निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। शिप और एयरक्राफ्ट को भी तैयार कर लिया गया। अच्छा, वही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है। मारुति ने 7,46,000 में लॉन्च की फ्रॉन्क्स एसयूवी। 11,000 रुपए में आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 13 लाख रुपए है। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे केरल राज्य। वहां आज वो पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे और वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही डिजिटल साइंस पार्क का इनॉग्रेशन भी करेंगे। इससे एक दिन पहले सोमवार को भी पीएम मोदी ने केरल राज्य में अपना रोड शो किया, क्योंकि 2 दिन केरल दौरे पर गए हुए हैं वो। और यूथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोले कि पिछली सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, हमने अवसर पैदा किए। हजारों लोगों की भीड़ यहां प्रधानमंत्री के जनसभा भाषण को सुनने के लिए आई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। और इसके साथ ही आज 25 अप्रैल को देश की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत होने जा रही है, यानी कि मेट्रो ट्रेनें अब पटरी के साथ साथ पानी पर भी चलेगी। वैसे ये देश की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन होगी और इसमें यात्रा करने के लिए किराया कितना होगा, यानी कि आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो मिनिमम टिकट की जो प्राइस है ना वो बहुत ही कम रखी गई है। न्यूनतम किराया 20 रुपए मात्र है। इस वाटर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देश की पहली पानी पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन है। बड़ी शिप जैसी दिख रही है, लेकिन ये मेट्रो ट्रेन है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, IIM रोहतक की स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर, कि देश विदेश से अब तक 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं पीएम मोदी के मन की बात को और 23 करोड़ लोग इस कार्यक्रम के रेगुलर लिसनर्स हैं। और स्टडी में ये बात भी सामने आई कि मन की बात प्रोग्राम से आम लोगों को प्रेरणा मिली, कृषि और उद्यमिता को लेकर भी जागरूकता पैदा हुई लोगों के बीच में। और न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे ऑडियंस जो है वो मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। ये हालिया स्टडी में खुलासा हुआ है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, दिल्ली मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एक और पार्षद ने झाड़ू छोड़कर कमल को थाम लिया, यानी कि आम आदमी पार्टी का एक पार्षद आपको छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी है। और वो है आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता, जिन्होंने कल सोमवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा, वही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा दौरे पर हैं। वहाँ वो हिसार कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई और उन्होंने कहा कि मैं भी किसान की बेटी हूँ, पहले 6 में से 4 गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं और ये बात देखकर मुझे खुशी हुई। और देखिए आप, NDRI करनाल के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि हरियाणा की पहचान दूध और दही से है, तभी तो प्रदेश खेलों में नंबर 1 है। डेयरी इंडस्ट्री में भी नौजवान युवा आगे आए। अच्छा, वही देखिए श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आज मंगलवार की सुबह केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं और द्वार खुलने से पहले 35 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया भी गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की 4 धाम यात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट पहले खुल गए हैं। आज 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और परसों 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। तो चारों धाम की यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। और देखिए, कपाट खोलने से पहले बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंची। बारिश और बर्फबारी के बाद वैसे अभी 30 अप्रैल तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया है सरकार ने, लेकिन पट आज से खुल जाएंगे, है ना। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने अनोखा नया नियम लागू किया। देखिए आप, अब शादी और बारात में भी परोसी जा सकेगी शराब। सरकार इसके लिए स्पेशल लाइसेंस देगी। हालांकि इसके लिए आपको 7 दिन पहले अप्लाई करना होगा और किसी निजी पार्टी के लिए अगर आपको शराब वगैरह का प्रोग्राम रखना है ना, तो इसके लिए फीस होगी 5 से 11 हजार रुपए तक। यानी कुल मिलाकर के तमिलनाडु में अब किसी भी प्राइवेट इवेंट हो या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो या स्पोर्ट्स स्टेडियम तक में भी शराब परोसी जा सकेगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी शराब की नई आबकारी नीति में ये कुछ नए नियम लागू किए हैं। मैरिज हॉल, कन्वेंशन सेंटर से लेकर हर तरह के प्रोग्राम पार्टी में अब शराब को लीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा तमिलनाडु में, है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे असद के मोबाइल से अब एक नया वीडियो सामने आया। उस वीडियो में असद अहमद एक व्यक्ति के कपड़े उतरवा कर
युवक को बेल्ट से पीट रहा लखनऊ के फ्लैट में रिकॉर्ड किया हुआ ये वीडियो है, क्योंकि जब से असद की मौत हुई इसके बाद से स्पेशल टास्क फोर्स के पास असद का फोन जब्त कर लिया गया और इसी के दौरान ये कई नए वीडियो के खुलासे हो रहे हैं। इसकी तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता, कुछ सेंसिटिव तस्वीरें हैं इसीलिए। वैसे खबर ये भी है दोस्तों कि 28 अप्रैल को अतीक और अशरफ के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सजा की शक्ति केवल न्यायपालिका के पास ही है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि माफिया के जाने के बाद आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा। उन्होंने कहा कि पहले ही बोला था गर्मी दूर कर देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद का नाम लिए बगैर पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है कि जो भी यूपी में गुंडा राज चलाएगा उनका यही हाल होगा। दरअसल कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत की सहारनपुर से, और इस दौरान योगी बोले कि यूपी में कर्फ्यू ना दंगा, अब सब चंगा, माफिया अतीत हो गए। 2017 से पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ सकुशल मंगल है। वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो एक स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैं आपको बता दूं। आज यूपी बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 25 अप्रैल को दोपहर 1:30 पर आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। uprizults.nic.in इस पोर्टल पर परिणाम जारी होंगे, आप 1:30 पर इस वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा दोनों के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे दोपहर 1:30। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि ई श्रम पोर्टल को लेकर सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। श्रमिकों को रोजगार मिलना अब और भी आसान होगा, क्योंकि ई श्रम पोर्टल पर गवर्नमेंट ने कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, और ये नए फीचर पोर्टल की उपयोगिता को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन को और आसान बनाएंगे। अब इस पोर्टल पर और भी कई नई सुविधाओं की एंट्री शुरू की गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, जिसमें कई सारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं भी अब आपको इस पोर्टल पर ही मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के मंत्रालय की तरफ से जो ई श्रम पोर्टल है, इस पर देश भर के श्रमिक मजदूर कार्यकर्ता जरूर रजिस्टर करें अपने आप को, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अब और कई नई सुविधाएं मिलेंगी, है ना। इस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं तो इसकी कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। register.esrm.gov.in पोर्टल पर आपको जाना है सबसे पहले, और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, टाटा के स्टारबक्स को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी ने भी मार्केट में अपना खुद का ब्रांड उतार दिया, और इसी साल भारत में 10 आउटलेट्स खोलेंगे वो। कॉफी का ये ब्रांड है अंबानी के द्वारा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपने पहले प्रेट एमेनेजर सैंडविच एंड कॉफी आउटलेट को लॉन्च किया, और इस साल भारत में 10 आउटलेट्स खोलेंगे वो। बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया पर आने वाले समय में हर महीने 40,000 की कमाई होगी और 10 लाख लोग जुड़ जाएंगे। हालिया एक रिसर्च सामने आ रही है कि भारत में अगले 3 साल में लगभग 10 लाख लोग सोशल मीडिया से हर महीने 40,000 रुपए कमाएंगे, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक। आजकल भारत में डिजिटल कंटेंट की डिमांड खूब बढ़ रही है, काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी आ रहे हैं नए नए सोशल मीडिया पर, आपको पता होगा। तो देखा जाए दोस्तों तो आने वाले समय में सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छा स्कोप है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ट्रूकॉलर एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त फीचर लेकर आया, जिसमें नोटिफिकेशन के जरिए आपको चेतावनी मिलेगी, फ्रॉड मैसेज की भी आप पहचान कर पाएंगे। ट्रूकॉलर पर इस तरह के एडवांस फीचर मिलेंगे और भी आप नए तरीके से स्पैम कॉल, स्पैम मैसेजेस की आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, है ना। अच्छा भाई दोस्तों, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि देश में लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों की भी डिमांड बढ़ रही है। 1 करोड़ से महंगी ईवी की बिक्री साल भर में दुगुना हुई। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देखिए पटना हाईकोर्ट से मोदी सरडेम के मामले में राहुल को राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं होना होगा पेश, वकील की दलील सूरत कोर्ट सजा दे चुकी है। वह देखिए कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में भी कार्यक्रम में शामिल होने गए। गांव के लोगों को बांटकर पार्टियों ने अपनी दुकानें चलाई। पीएम मोदी ने कहा, छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वे विकास को लेकर उदासीन रहे। वैसे रीवा में कई करोड़ों परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री ने। कई सारे नए रेल प्रोजेक्ट्स और जल नल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया इस दौरे के दौरान। नरेंद्र मोदी ने रीवा में ईतवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन वगैरह को हरी झंडी भी दिखाई वर्चुअली रूप से, आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। अच्छा बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार का नया प्लान, अब यूथ पर फोकस करेगी राजस्थान की गवर्नमेंट युवाओं पर। प्रदेश में 3 जगह होंगे युवा महोत्सव। राजस्थान के जोधपुर में 28 अप्रैल से होगा मारवाड़ी युवा महोत्सव भी। बिहार से बड़ी खबर आ रही, पीएम आवास फंड लेकर घर नहीं बनाने वालों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसे 2 लाख लोगों को रेड व्हाइट नोटिस भेजा है गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा तो ले लिया, 2-2 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन उस पैसों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए नहीं किया। तो ऐसे लोगों को सरकार ने नोटिस भेजा है और चेतावनी भी दी है, वरना उनसे ये पैसा वापस वसूला जाएगा। बड़ी खबर है, दिल्ली की बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगे। मकान और मुफ्त कोचिंग वगैरह को लेकर भी श्रमिकों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली की डीटीसी बसों में अब फ्री पास देगी सरकार, मजदूरों के बच्चों को फ्री कोचिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके कल इन बातों की जानकारी दी गई। यहां तक कि श्रमिकों के रहने के लिए घरों व हॉस्टल की व्यवस्था भी करेगी दिल्ली सरकार, और बसों में फ्री पास देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा भी देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी एक नया नियम लागू कर दिया दिल्ली सरकार ने। 5वीं से अब सीधे 8वीं कक्षा में ले सकेंगे एडमिशन। एनसीएफ की तरफ से नया कौशल विकास फॉर्मूला भी लागू किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में। एनसीएफ का मतलब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जिससे मतलब अगर कोई होशियार बच्चा है तो
तो वो सीधे ऊपर की क्लासों में जंप हो सकेगा, है ना। वही देखिए, दिल्ली सरकार का नया प्लान, दिल्ली NCR में प्रदूषण में कमी आएगी, सड़कों पर उतरेंगे 5000 इलेक्ट्रिक वाहन, 1,00,000 टन CO2 का उत्सर्जन इससे कम होगा। और देखिए, दिल्ली सरकार ने तो ये डेटा भी जारी किया कि जो 15 साल और 10 साल पुराने वाले पेट्रोल और डीजल वाहन है ना, उनके रजिस्ट्रेशन जो रद्द किए जा रहे हैं, इसमें दिल्ली में 53,00,000 से भी ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब तक रद्द हो चुका है, जिसमें 80,000 तो सरकारी गाड़ियां भी डीरजिस्टर हुई। बीते 27 मार्च तक का डेटा जारी किया दिल्ली सरकार ने, ये जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, कल ही मेघालय राज्य में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए, तीव्रता हालांकि 3.5 ही थी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे मेघालय के अलावा न्यूजीलैंड में देखिए बड़ा भयंकर भूकंप आया। और न्यूजीलैंड में आए भयानक भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है, क्योंकि भूकंप की भयानकता का अंदाजा आप तीव्रता से लगा सकते हैं, 7.2 तीव्रता रही रिएक्टर स्केल पर, और इसी वजह से न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई इस भयंकर भूकंप के बाद, है ना। अच्छा वैसे देखिए, एक अनोखी खगोलीय घटना आज देखने को मिलेगी, बंगलुरु में नहीं बनेगी किसी भी शख्स की परछाई, क्योंकि ये घटना बड़ी दिलचस्प होगी। सौर मंडल में आए दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाली घटनाएं होती रहती है, और ऐसी ही अनोखी घटना आज 25 अप्रैल को बंगलुरु में होने वाली है। इस दिन बंगलुरु में कुछ क्षण के लिए परछाई पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि सूर्य का एंगल कुछ इस तरह का रहेगा और जो कि बंगलुरु शहर पर पड़ेगा। 0 shadow day इन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक दोपहर में सूरज किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई नहीं बनाएगा। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसके घूर्णन वगैरह के चलते ऐसा कोण बनेगा जिसके चलते आज दोपहर में कुछ देर के लिए किसी भी व्यक्ति की शैडो नहीं बनेगी किसी भी चीज की, है ना। कर्नाटक के बंगलुरु में आज आप ये अनोखी खगोलीय घटना देख पाएंगे। अच्छा वह देखिए दोस्तों, प्रदूषण को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही कि यूरोप में हर साल 1200 युवाओं की जान ले रहा है वायु प्रदूषण। अब ये पोल्यूशन कितना खतरनाक होता है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन डेटा से। वह देखिए, इसरो ने जो हाल ही में सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे ना, तो वो सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं, और इस मौके पर एलोन मस्क ने भी इसरो के सक्सेसफुल लॉन्च पर बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, कांग्रेचुलेशन इसरो। बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर दूसरे दिन भी रहे, और हंगल में वो बोले कि भाजपा को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप उन्हें 40 सीटें देना। और कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमने मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति है, भाजपा ने लिंगायत को बचाया। वही देखिए, बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ हो चुका है, लेकिन अभी तक भी सलमान की पिछली फिल्मों से ये काफी दूर है, यानी कि सलमान खान की ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। अच्छा देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान MP के दतिया में मां पीताम्बरा का प्राकट्य दिवस मनाने के लिए गए, यहां उन्होंने रथ वगैरह भी खींचा, और इस दौरान मुख्यमंत्री बोले कि महाकाल लोक के जैसे ही पीताम्बरा लोक भी बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने घोषणा की है कि दतिया में बनेगा पीताम्बरा माई महालोक, और साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हवाई अड्डा बनाने का भी ऐलान किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वह देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी सागर में कथा की शुरुआत हुई आज से ही। इससे पहले इनकी भव्य कलश यात्रा निकली, जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और काफी लोगों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, और लोगों की भीड़ कितनी आई इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। अच्छा बड़ी खबर देखिए, नई शिक्षक नियमावली का विरोध किया जा रहा बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच चुका है यह विरोध। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माले ने नियमावली की 5 दिक्कतें भी गिनाई और साथ ही इसके 5 उपाय भी सुझाए। दरअसल हाल ही में जो बिहार सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जारी की थी ना, तो इसी का व्यापक रूप से विरोध किया जा रहा है। वह देखिए बड़ी खबर, गुजरात में स्वागत पोर्टल को 20 साल पूरे हो चुके हैं, और इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पोर्टल के लिए UN भी सम्मानित कर चुका है, 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया था, जब गुजरात के CM थे PM मोदी तब उनको। और स्वागत का पूरा नाम मतलब पूरा फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवासेंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि स्थानीय भाषा में वेलकम, जिसमें आम नागरिकों का स्वागत है ऐसे। वैसे इस पोर्टल का मतलब ऐसा है कि एक ऑनलाइन सिस्टम जिससे कि आम जन समस्याओं को जल्दी से सुना जा सके और उनका समाधान किया जा सके। तो 27 अप्रैल को इस पोर्टल के 20 साल पूरे हो रहे हैं, इस दौरान PM मोदी खुद 4 बजे इस समारोह में हिस्सा लेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पहलवानों के धरने के बीच खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर ही रोक लगा दी है। आपको पता होगा पहलवान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी मांग है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोला, विरोध किया, और इसी बीच भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, अभी भी रेसलर्स का प्रदर्शन जारी है। और चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। देश के अधिकांश हिस्सों में लू से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी। IMD ने बताया अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। बिहार में आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट, पटना समेत 11 जिलों में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे, गर्मी से लोगों को राहत मिली। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा, कई जिलों में वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। और राजस्थान में भी 3 दिन बाद फिर बारिश और आंधी का अलर्ट है, यहाँ तक कि मई का पहला सप्ताह भी ठंडा रहेगा, क्योंकि राजस्थान में एक और विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। और देखिए यूपी में तो आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिजलियां भी कितनी तेज चमकी। वाराणसी में आधे शहर
शहर की बिजली भी गुल हो गई। लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल वगैरह में भी बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए राहत की खबर है, भारत में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम पड़ी है। बीते 24 घंटों के दौरान 7000 से ज्यादा नए मामले आए, जो कि 69 दिन बाद सबसे कम एक्टिव केस पर भी पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 7178 नए मामले आए बीते 24 घंटों में, और अभी देश में 65000 एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 65683 चल रही है। एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि कोरोना के अर्कटूरस वेरिएंट से ब्रिटेन में 5 लोगों की जान चली गई, और भारत में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ने के पीछे यही वेरिएंट की वजह है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। कुछ और राज्यों का आंकड़ा देखिए आप। दिल्ली वासियों के लिए राहत मिली, 24 घंटों में 948 नए मामले आए, 2 मरीजों की मौत हुई। तो वही मध्य प्रदेश में भी एक ही दिन में 2 लोगों की जान चली गई, कोरोना से 39 नए मामले सामने आए। हरियाणा में 50% कोरोना की सैंपलिंग घटी है, 24 घंटों में 596 नए मामले आए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 133 नए केस मिले, 1 व्यक्ति की जान गई। तो कुल मिलाकर के ये राहत की बात है कि लगातार दूसरे दिन भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक देखने को मिला। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर खबर है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4374 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 22 मई अंतिम तारीख है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आईटीआई दिल्ली में भी आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है, 12 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी, इसके लिए पटना में भी 7 केंद्र बनाए गए हैं। और वहीं एसएससी जीडी कांस्टेबल के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आप इस पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए एनसीईआरटी की पिछली सभी भर्तियों को रद्द किया जाएगा, अब 347 नॉन एकेडमिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। 29 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू होंगे, 6 मई इसकी लास्ट डेट है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए बिहार दरभंगा में जल्द ही एफएम रेडियो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पहले शहर के 10 किलोमीटर इलाके में ये रेडियो की सुविधा मिलेगी, बाद में पूरे जिले में इसका ट्रांसमिशन होगा। वही देखिए झारखंड में भी पीएम नरेंद्र मोदी गोड्डावासियों को सौगात देंगे, 28 अप्रैल से लोग बाग एफएम रेडियो का आनंद उठा पाएंगे। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 महीने बंद रहेगी एक्सप्रेसवे की 250 मीटर सड़क, 100 मीटर पहले रूट को किया जाएगा डायवर्ट, अंडरपास का काम चल रहा, और इसी के चलते ग्रेटर नोएडा से नोएडा व दिल्ली वाया एक्सप्रेस जाने वाले लोगों के लिए मुसीबतें थोड़ी बढ़ सकती है। वैसे यूपी आगरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होगी, इसको लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। और देखिए छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, देश की 2.5 लाख पंचायतों को पछाड़कर सरगुजा जिले की नागम और धमतरी जिले की सांकरा पंचायत ने अवार्ड जीता है। 50-50 लाख रुपए की धनराशि दी गई इन ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार की तरफ से पुरस्कार के रूप में। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर है, व्हाट्सएप पेश करेगा चैनल टूल, जिससे कि सूचना ब्रॉडकास्ट करने में मदद मिलेगी। जैसे अभी आपको टेलीग्राम पर चैनल ब्रॉडकास्टिंग फीचर मिलता है ना, वैसा ही फीचर जल्दी आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेगा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में 7 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोलने के आदेश जारी किए हैं योगी सरकार ने, और पालन न होने पर अधिकारियों को निलंबित भी किया जाएगा यानी सस्पेंड किया जाएगा, ये चेतावनी भी दी है। वह देखिए हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं 30 जून तक जारी रहेगी, सुक्कू सरकार ने जारी किए निर्देश, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान की पंचायतों से शुरू होगा नशे के खिलाफ अभियान, युवा इस पर मुख्य फोकस होंगे। दरअसल राजस्थान में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करने जा रही गहलोत सरकार, और इसी के तहत युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। वैसे देखिए राजस्थान में बनेगा देश के नक्शे जैसा शिव मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में होंगे हर शिव धाम के दर्शन, माता वैष्णो देवी भी विराजेंगी। झुंझुनू से 6 किलोमीटर दूर कोलेरा का बांस में देश के नक्शे के आकार का द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जा रहा है राजस्थान में, है ना। अच्छा बिटकॉइन पर एक संभावना आ रही दोस्तों की आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर से भी 10 गुना ज्यादा कमाई दे सकता है बिटकॉइन। 70% से 130% तक का रिटर्न दे सकता है अगले 1 साल में बिटकॉइन, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है। आप इस अनुमान के आधार पर कभी निवेश ना कर दें, वरना आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अपने लेवल पर पहले रिसर्च करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में या किसी क्रिप्टो करेंसी में, है ना। वह देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मोहनपुरा परियोजना को लेकर अपडेट है कि पेयजल व कृषि के बाद अब उद्योग के साथ पर्यटन का केंद्र भी बनेगा मोहनपुरा का डैम। अच्छा झारखंड के किसान भाई लोगों के लिए कुछ खबरें हैं, लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा मिल चुका है, यानी कि लाख की खेती करने वाले किसानों को अब कई नई योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। वह देखिए बिहार में बेगूसराय कटिहार समेत 9 शहरों में 28 अप्रैल से मिलेगी एफएम सेवा, नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कौन कौन से शहरों में मिलेगी 100.1 एफएम सेवा, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में 10 जून तक होंगे सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले यानी कि ट्रांसफर, इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। अच्छा भाई देखिए उड़ीसा कैबिनेट सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अगले 10 सालों के लिए भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य मंत्रिमंडल की तरफ से 15 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें एक ये भी रहा। और वैसे दोस्तों ये भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा तोहफा है, क्योंकि 2033 तक के लिए उड़ीसा सरकार जो इसका प्रायोजक बन चुकी है स्पॉन्सर, 434 करोड़ रुपए में इसका एक समझौता करार हुआ है। और देखिए बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, बाहुबली आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की जेल से रिहाई करेगी, है ना। और वे देखिए राजस्थान में गहलोत सरकार 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से तारबंदी योजना को लेकर ये नए चरण को
अनुमति दे दी गई है, जिसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 जून तक बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी बोरिंग मशीन नहीं चलेगी, बोरवेल नहीं खोदा जाएगा। अगले महीने 30 जून तक एमपी भोपाल में जल संकट को देखते हुए निजी नलकूप या बोरिंग कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान ने वीडियो गेम, संगीत और विदेशी फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगाया। 400 से अधिक कारोबार भी बंद हुए हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, सोलर इंडस्ट्रीज की कंपनियों को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 212 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया सोलर इंडस्ट्री वाली कंपनियों को, और सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ कंपनियों ने पिछले 5 साल में 263% तक का रिटर्न भी दिया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के सतना में भी शराबबंदी का फैसला किया गया। शराब पीने या बेचने पर अब 10,000 का जुर्माना लगेगा और सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन बरसेंगे बादल, दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहेगा प्रभावित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। युवाओं को अलग अलग पदों पर 408 नव नियुक्त कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। और देखिए, खेल समाचार पर खबर है कि रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीती दिल्ली हैदराबाद को लगातार 5वें मुकाबले में हराया। अक्षर पटेल का दोहरा प्रदर्शन भी देखने को मिला कल शाम के आईपीएल के मैच में। और हाँ दोस्तों, आज का डीएलएस माइंड क्विज का क्वेश्चन है, एक हिस्टोरिकल क्विज है कि गौतम बुद्ध की माताजी का नाम क्या था। 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए गौतमी, बी महामाया, सी यशोधरा, डी चेलना। विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।